नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका फंडामेंटल राइट्स। हमारे फंडामेंटल राइट्स वेरी होते हैं आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक। इस वीडियो में हम आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 22 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं। ये फंडामेंटल राइट हमें इक्वालिटी और फ्रीडम प्रदान करते हैं। फ्रीडम का मतलब है आपको स्वतंत्रता, इक्वालिटी का मतलब है हमारे को समानता। ठीक है, ये हम यूएसए से लिए गए थे। ठीक है, और इन फंडामेंटल राइट्स को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका आर्टिकल 14। ये बताता है आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो आपका कानून है वो सभी के लिए बराबर ही होगा, आप किसी में भी भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 15 ये बताता है आपको नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस बर्थ। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बंदे में भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इसका मतलब है कोई भी बंदे के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 16 हमें बताता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जो आपकी गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए सभी को समान अवसर ही मिलेंगे, और जो नौकरी है वो टैलेंट के आधार पर मिलेगी, आप उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 आपको बताता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बंदे के साथ छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी के साथ वो बंदा कहीं भी जा सकता है, कोई भी पब्लिक प्लेस में जा सकता है, आप छुआछूत के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आता है। चलिए आर्टिकल 18 देखते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत। इसके अकॉर्डिंग जो आपके टाइटल है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, जैसे पहले बोलते थे राजा वगैरह, किंग, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सभी इक्वल होंगे। इसी के साथ ही आपका जो राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 to 18 ख़त्म होते हैं। चलिए हम इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। आपको बस याद करना है लॉ डाउट, जो आपका कानून है वो आपको थोड़े से डाउट प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इलेट करते हैं इसको। लॉ का मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपका आर्टिकल 14 में आ जाएगा। डी से आपका बनेगा डिस्क्रिमिनेशन, जो आपका आर्टिकल 15 में आ जाएगा। ओ से आपका बनेगा अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी के लिए बराबर अवसर, ये आपका आर्टिकल 16 में आ जाएगा। और यू से आपका बनेगा आपका आर्टिकल 17, जो कि है अनटचेबिलिटी। ठीक है, और टी से आपका बढ़ेगा आपका टाइटल, जो कि है आउट ऑफ टाइटल, जो आपका आर्टिकल 18 में आता है। तो आपको सिंपल से याद करना है लॉ डाउट। ठीक है, ये आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, जो आपका आर्टिकल 15 है वो है नो डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 है आपका सेम अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, आर्टिकल 17 है आपका अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 है आपका आउट ऑफ टाइटल। ठीक है, तो चलिए इसी तरह आप इसको याद कर सकते हैं, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, समता का अधिकार। चलिए अब पढ़ेंगे हम राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, और इसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है। चलिए इसे हम पहले डिटेल में पढ़ देते हैं। तो आर्टिकल 19 अब आपको बताता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कोई भी बंदा है जो अपने उसके आइडियाज़ हैं, उसके थॉट्स हैं, वो उस प्रेजेंट कर सकता है सभी के सामने, वो बोल सकता है और कहीं भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी प्रोफेशनल लाइफ चूज़ कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी नौकरी वगैरह कर सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है इस आर्टिकल 19 की तरफ से। ठीक है, आर्टिकल
चलिए आर्टिकल 20 के बारे में पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब कोई भी बंदा अगर क्राइम करता है, जब तक उसका क्राइम प्रूव नहीं हो जाता, आप उसको इक्वली ट्रीट करोगे, जो आपका लॉ है उसको वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। ये बताता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। जो आपका पर्सनल लाइफ है वो आपका स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अफेक्ट नहीं कर सकती, आपको वो पर्सनल डाटा लीक वगैरह नहीं कर सकती। जो आपकी राइट टू प्राइवेसी है वो भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आती है। और ये नोट करने वाली बात है, जब भी इमरजेंसी होती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो लागू नहीं होते हैं, पर जो आर्टिकल 20 है और जो आपका आर्टिकल 21 है वो तब भी वैलिड रहता है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है फंडामेंटल राइट्स है इंडिविजुअल का। और जो आर्टिकल 20 आपको पता है, जो आपका कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, जो आपको दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और जो आपका 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो आपकी प्राइवेसी है उसका भी हनन नहीं हो सकता। चलिए आर्टिकल 21 के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 बताता है हमारे को राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ये आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये आपकी 86th अमेंडमेंट हुई थी 2002 में, उसमें ये ऐड कर किया गया था। पहले ये आर्टिकल 45 में हुआ करता था, जो कि आपके आता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो स्टेट के अंदर था, सो सेंट्रल गवर्नमेंट पे उसका कोई अधिकार नहीं था। तो इन्होंने बाद में अमेंडमेंट किया 2002 में, और तो ये शिक्षा का अधिकार आपके फंडामेंटल राइट्स में आ गया, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स आपको पता है जो है जस्टिएबल है, ठीक है। और इसलिए जो आपकी एजुकेशन है वो कंपल्सरी होगी सभी के लिए, क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। जो आपके 6 to 14 ईयर जो भी बच्चे हैं वो सभी स्कूल जाएंगे और कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आर्टिकल 22 के बारे में देखते हैं। सेफगार्ड अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में से संरक्षण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 आवर के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसको आप ऐसे ही जेल में बंद नहीं रख सकते, उसको कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसका आगे क्या करना है। और उस बंदे का राइट है कि वो कोई भी लॉयर हायर कर सकता है खुद के बचाव के लिए। चलिए हम इनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ट्रिक है हमारी फ्रीडम जो है क्लियर, जो आपकी फ्रीडम है वो आपको क्लैरिटी प्रदान करती है, इसलिए फ्रीडम क्लियर। फ्रीडम से आपका बना फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपका आर्टिकल 19 में आता है, जो आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम है आपको कुछ भी बोलने के लिए। और ये आपका सी से आपका बनेगा कन्विक्शन, इसका क्या मतलब है? जो आपके अपराध, जब तक आपके अपराध जो है प्रूव नहीं हो जाते तब तक आपको लॉ आपको इक्वली ट्रीट करेगा। एल का मतलब है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, जिसका मतलब है प्राइवेसी, जो प्राइवेसी के रिलेटेड है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये कन्विक्शन है। ई से आपका बनेगा एजुकेशन, ठीक है, जो आपका आर्टिकल 21A में आता है। और AR से आपका बनेगा अरेस्ट, जो किसी बंदे को लॉन्ग टाइम तक अरेस्ट नहीं कर सकते, आर्टिकल 22 में आएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपके ट्रिक है वो है फ्रीडम क्लियर, ठीक है। जो आपको फ्रीडम से आपका बना जो फ्रीडम टू स्पीच एंड क्रिएट एक्सप्रेशन, जो आपको बोलने का अधिकार है वो उसके लिए आपको फ्रीडम है। सी से आपका बना कन्विक्शन, जो जब तक आपका जो है अपराध सिद्ध नहीं हो जाता,
जो आपको लॉ इक्वली ट्रीट करेगा। एल से आपका बनेगा पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल फ्रीडम आप आएगा आपका आर्टिकल 19, जो आपका कन्विक्शन है वो आएगा आर्टिकल 20, जो आपका पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है वो आपका आएगा आपका आर्टिकल 21, जो आपका ई से आपका बनेगा एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ये आपका आएगा आर्टिकल 21A, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। और AR से आपका बनेगा अरेस्ट, ये आएगा आपका आर्टिकल 22 में, ठीक है। जो आपके आर्टिकल 20 और 21 हैं वो एमरजेंसी में भी वैलिड होते हैं। इसी प्रकार ये आर्टिकल 14-22 हमने याद कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।